नशे की इस लड़ाई में अकेला पाता हूं मैं अपने आप को। अगर अकेले लड़ नहीं सकते तो मदद क्यों नहीं लेते? ऐसी लत का क्या फायदा जो तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर दे? साई, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं था। मैं भी इस नशे को छोड़ना चाहता था, एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहता था, पर मुझसे नहीं हो पाया साई। और अब बहुत देर हो चुकी है साई। मैंने अपना परिवार भी खो दिया है। एक नई शुरुआत के लिए देर कभी नहीं होती काशीनाथ। पर सही, मेरे पास सिर्फ एक वजह थी जिसके लिए मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता था। मेरी पत्नी और बेटे के खातिर। पर वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। अगर मुझे मेरी जिंदगी अकेले बितानी है तो मैं सुधर के क्या करूंगा? और अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे घर को छोड़कर ना जाए तो? साई, क्या ये संभव है? नहीं साई, अब मैं और नहीं रह सकती। रेनू, तुम्हारी आपत्ति यही थी ना कि तुम अपने शराबी पति के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती? जब तक काशीनाथ की ये आदत छूट नहीं जाती, ये मेरे साथ द्वारकामाई में रहेगा। जहां मैं इसको इस आदत से निजात दिलाने में मदद करूंगा, तब तक तुम और भोला यहां रह सकते हो। इससे तुम्हारे सर पे छत भी बनी रहेगी और काशीनाथ का इलाज भी चलता रहेगा। जब काशीनाथ ये लत छोड़ देगा तो ये अपने घर वापस आ सकता है। साई, क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, बिल्कुल। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बस मुझे इस नशे की बीमारी से मुक्ति दिला दीजिए। तो फिर मेरे साथ द्वारका माई चलो। नहीं साई, ये नहीं सुधरेंगे। रेणु, मेरा विश्वास करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। काशीनाथ, तुम यहीं रुको, मैं रेणु से बात करता हूं। साई अब तक नहीं आए, कहीं रामदासी जी ना आ जाए। अगर वो आ गए
तो क्या कहूंगा, कैसे समझाऊंगा उन्हें। साई बाबा अब आप ठीक हो जाएंगे, देखिए सोनमुखी ले। तात्या, साई बाबा कहाँ गए? उन्हें मेरी आई से कुछ काम था इसलिए वो चले गए। चले गए? लेकिन उनके पेट में तो दर्द था और मैं अपना पाठ अधूरा छोड़कर इतनी दूर जाकर उनके लिए सोनमुखी लेकर आया हूं और वो। ये क्या कर रहे हो तुम? वो साई ने इतना दुस्साहस कि मेरे पोते को। अरे ठीक हो तुम? पिछली बार ही तुम्हें झिड़का था, कहा था ना कि मेरे पोतियों को न छुए, इन्हें छूकर अपवित्र न करे। एक बार में कहा, समझ में नहीं आता है तुम्हें? रेनू, मैंने जो कहा था उसे याद रखना। मुझे सब याद है साई, इसीलिए तो इनके नशे की बुरी आदत को गंभीर बीमारी समझकर उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन मदद तब भी पूरी होती है जब वो मदद लेना चाहे, लेकिन वो हमेशा झूठ बोलकर कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाते हैं पीने के लिए। नहीं सर, कुछ नहीं हो सकता इनका, मैं कोशिश करके हार गई। इसीलिए कह रहा हूं, काशीनाथ को अपने साथ द्वारका माई में रखकर मुझे उसकी मदद करने की एक बार कोशिश करने दो। तुम केवल श्रद्धा और सबूरी रखो, तुम काशीनाथ पे भरोसा नहीं रख सकती, पर मुझ पर तो रखो। अपनी समस्या आपको देखकर और परेशान नहीं करना चाहती साई, मेरी नजर में ये ठीक नहीं है। अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ द्वारका माई चलूंगी, आपका हाथ बटाऊंगी ताकि उनकी देखभाल आपको अकेले ना करनी पड़े। फिर भोला की देखभाल कौन करेगा? रेनू, तुम यहीं रहो भोला के साथ, तुमसे दूर रहकर काशीनाथ को भी एहसास होगा कि शराब के लिए जीकर वो क्या खो रहा है। हाँ बेटी, ये लड़ाई काशीनाथ की है, उसे अकेले ही लड़नी होगी, और अगर इस युद्ध में उसका सारथी साई है तो फिर उसकी जीत निश्चित है। और तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारे साथ तुम्हारी ये आई है, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल मैं रखूंगी। आपके पहले से बहुत एहसान है मुझ पर भाईसा काकी,
और बोझ नहीं बनना चाहती। माँ भी कभी एहसान करती है बच्चों पर, और बच्चे भी कभी बोझ होते हैं माँ पर। मुझे बहुत खराब लग रहा है कि आप दोनों ही सब करेंगे इन्हें ठीक करने के लिए। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। कर पाओगी रेनू, त्याग तपस्या। जब तक काशीनाथ का इलाज चल रहा है, तुम काशी और उसके घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें यह तपस्या करनी होगी, अपनी शंकाओं, अपनी चिंताओं, अपनी बेचैनी का त्याग करना होगा तुम्हें। शांत मन से केवल ये सोचना होगा कि सब अच्छा होगा। मैं आपको वचन देती हूं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। लेकिन अगर इनकी शराब की लत नहीं छूटी तो मैं और भोला इनसे दूर चले जाएंगे। मैं सौगंध खाती हूं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उस दिन के बाद ये मेरा चेहरा कभी नहीं देख सकेंगे। साई, मैंने सब सुना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका प्रयास रेणु भोला का त्याग बेकार ना जाए। बस आपका हाथ मेरे सर से मत हटाइएगा। मुझे आज एहसास हुआ है कि मेरे अपने इस लत से मेरे परिवार को कितनी पीड़ा होती है। मेरा अपना बेटा मेरे साथ रहना नहीं चाहता, और मैं अपनी परिस्थिति को बदलना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद से। तो फिर मेरे साथ द्वारका में ही चलो, वहां जी जान से कोशिश करो। बाकी अल्लाह मालिक। जी, लगता है ये फकीर इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेगा। हमें तुरंत सरकार को सूचित करना पड़ेगा। चलो चलो। संस्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं शेरी के लोगों में। जो मना करो वही करेंगे सब। सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। कांदाती जी, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इतनी मामूली सी बात के लिए? मामूली सी बात है? मामूली सी बात? अरे पोथी पढ़ना कोई खेल नहीं है। ये कोई बच्चों की पुस्तक नहीं है कि उठाया और पढ़ लिया।
कितनी श्रद्धा, कितना समर्पण, कितनी साधना की आवश्यकता होती है इसके पठन के लिए, याद है तुम्हें? हाँ तो लोग ऐसे शोर मचाते हैं जैसे कि सब्जी मंडी हो। और ये माधव, इसकी तो पहले दिन से मेरी पोथियों पर नजर है और आज तो ये चोरी पर उतर आया। ये आप क्या कह रहे हैं रामदासी जी? मैं चोरी नहीं कर रहा था। अरे चोर पकड़े जाने पर यही कहता है। रामदासी बुआ, पहले पूरी बात तो सुन लो उनकी। आप तो कुछ मत ही बोलिए तो अच्छा है। बड़ी बड़ी बातें बनाकर मुझे यहाँ ले आए, लेकिन यहाँ तो ऊंची दुकान फीका पकवान वाला मामला है। साई से मिलकर मुझे कोई शिक्षा, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, उल्टा मेरी साधना में एक के बाद एक अड़चने पैदा हुई है और अब तो मेरी पोथियों की चोरी भी शुरू हो गई है। आप अपनी मर्यादा लांग रहे रामदासी जी। मर्यादा? मर्यादा का स्मरण तो इससे दिलाना चाहिए था जब ये मेरी पोथियां चोरी कर रहा था। देखिए आप ये गलत कर रहे हैं रामदासी जी। ए, मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है सही क्या है और गलत क्या है, और इस चोर को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, इसको तो मैं दंड देकर ही रहूंगा। बस बहुत हुआ, आपका लिहाज करके कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाएंगे। शुक्र मानिए कि हमारे रहबर मार्गदर्शक साई है, उन्होंने हमें शांत रहना सिखाया है। साई ने हम सबको केवल देना सिखाया है, लेना नहीं सिखाया। और आप कह रहे हैं कि मैं चोरी कर रहा था। खैर, इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि जो साई के सत्य को नहीं जान सका वो किसी और के सत्य को क्या जानेगा। और रही बात पोथियों की, वो ऐसी 100 पोथियां खरीद सकता हूं मैं रामदासी जी, लेकिन हमें पोथियां पढ़कर ज्ञान पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साई इन सभी पोथियों का सार है। जी, जिस ईश्वर को आप इतनी पोथियां पढ़कर भी नहीं देख पाए, उस ईश्वर को मैं हर रोज साई में देखता हूं। जब तुम्हें पोथियों की आवश्यकता नहीं थी तो फिर ली क्यों? क्योंकि साई ने मुझे दी थी यहां पढ़ने के लिए, उनके आदेश पर ही पोथी पढ़ रहा था मैं, और उसे पढ़कर वापस वहीं रख भी देता। अद्भुत, क्या भक्त पाल रखे हैं साई ने। अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम साई का इस्तेमाल कर रहे हो। श्यामा सच बोल रहा है। तात्या, काशीनाथ आज से यही रहेगा, इसके रहने का इंतजाम कर दो। जी साई। श्यामा को वो किताब पढ़ने के लिए मैंने ही दी थी बुआ जी। लेकिन क्यों साई बाबा, मैंने मना किया था ना, मेरी पोथियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, फिर क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि ये वेद पुराण, धर्म ग्रंथ, ये ईश्वर का ज्ञान है, और ईश्वर की तरह इन पर भी किसी की मिल्कियत नहीं है।
चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। जिसे ना चोर चुरा सकते हैं, ना राजा हरण कर सकते हैं, ना भाई बांट सकते हैं, जो बोझिल नहीं करता है, जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता है, ऐसा विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। इसे अपने पास छुपा के रख के आप अपने ज्ञान को बढ़ने से रोक रहे हैं। और फिर कहां लिखा है या किस ईश्वर ने कहा है कि ज्ञान को गुप्त रखना चाहिए? छोटा मुंह बड़ी बात, पोथियां क्या होती है, उनका महत्व क्या है, यह आप कैसे समझ पाएंगे? इतने दिन से यहां रह रहा हूं, पहली बार आपके मुख से कोई श्लोक सुन रहा हूं। शायद ये एकलौता श्लोक हो जो आपको पता हो, क्योंकि आप कभी कोई पोथी तो पढ़ते नहीं है और यहां कोई शास्त्र वेद ग्रंथ भी रखे नहीं है, तो आपको इसकी अहमियत कैसे पता होगी? रामदासी जी, ज्ञान तो आपको नहीं है, इतनी पोथियां पढ़कर भी आपको यह समझ नहीं है कि लोगों से व्यवहार कैसे किया जाता है और अपनों से बड़े से कैसे बात करते हैं। और मैं भी देख रहा हूं, जब से आप यहां पर आए मैंने आपको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन आपने सिवाय मीन मेक निकालने के और कुछ किया ही नहीं है। ए! मुझे भी कोई शौक नहीं है यहां रहने का, वो तो साईं बाबा ने कहा इसलिए मैं यहां हूं। सच ही कहा है किसी ने, इंसान को हमेशा ज्ञानियों की संगत में, जानकारों की संगत में रहना चाहिए। अज्ञानियों की संगत इंसान को नीचे गिरा देती है, पतन का कारण बन जाती है। अगर मुझे पता होता कि साईं बाबा इतने अज्ञानी है तो मैं यहां रुकता ही नहीं। रामदासी जी, हम सब कुछ सह सकते हैं, साई का अपमान नहीं। तुम्हारे लिए महान होंगे, भगवान रूप होंगे साई, लेकिन मेरे लिए ये एक साधारण इंसान है। भगवान के बहुत सारे रूप देखे, कभी कृष्ण बनकर आए, कभी राम बनकर आए, उनका ज्ञान देखो और इनका देखो। और तुम अज्ञानी लोग, तुमने ही एक अज्ञानी को सर पे बिठा के रखा है। चलो अच्छा, अधिक उलझन में ना मैं पढ़ना चाहता हूं ना तुम लोगों को उलझाना चाहता हूं। एक श्लोक इन्होंने सुना दिया अपनी इच्छा के लिए, अब क्या मेरी इच्छा के लिए क्या ये गायत्री मंत्र सुना सकते हैं? साईं बाबा, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे गायत्री मंत्र बोल के सुना दीजिए। रामदासी जी। श्यामा, बुआ जी, जब आपने मेरे बारे में तय कर ही लिया है तो मंत्र बोलने से क्या सिद्ध होगा? मैं तो बस ये जानता हूं कि इंसान की कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। अपने अनुभवों से कह रहा हूं, दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो मंत्र तो याद कर लेते हैं लेकिन उनका सार नहीं समझते, मंत्रों में निहित ज्ञान नहीं समझते, मंत्रों की सीख को अपने जीवन में नहीं उतारते।
पोथियों को, धर्म ग्रंथों को सिर्फ पढ़ना, उन्हें समझे बिना कंठस्थ करना मानो ऐसा है जैसे बिना बीज बोए फसल पाने की लालसा करना। आपसे मुझे ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा थी। क्योंकि आपने कभी कोई ग्रंथ पढ़े ही नहीं है तो याद कैसे होगा, फिर चाहे वो सबकी जुबान पर रहने वाला गायत्री मंत्र ही क्यों ना हो। आपको तो सिर्फ लच्छेदार बातें करना आता है। ऐसे मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा साई बाबा, मैं आपकी असलियत पहचान चुका हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिरडी वासियों की रोजमर्रा की जिंदगी में आपने उनकी मदद की है और यही वजह है कि वो आपको अपना मसीहा समझने लगे हैं। आप अच्छे इंसान है लेकिन आप में कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो क्या, ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो आपका ज्ञान एक साधारण किसान से अधिक नहीं है, है कि नहीं है? अगर मैं गलत हूं तो आप साबित कर दीजिए। काशीनाथ, मुझे थोड़ा पानी देना। हाँ। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.